नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांपुना आपके साथ। बिहार की सियासत में नामकरण का सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसे में चाहे किसी नेता को या किसी पार्टी विशेष को नए तरह की संज्ञा दी जाती है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्हें कई तरह की संज्ञा आज तक उनके राजनीतिक कार्यकाल में मिल चुकी है, जब से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। खास तौर पर नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से कहा जाता है और बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी कहा जाता है। लेकिन अब एक और नया नाम है जो बिहार की सियासत से इन दिनों जुट गया है, और ये नामकरण किसने किया और ये नाम किसके लिए आया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले इस नाम को जान लीजिए जो है अफवाह मियां। दरअसल पलटू राम बड़का झूठा पार्टी चाचा, इन शब्दों का प्रयोग होते ही बिहार की राजनीति में एक स्पष्ट सी तस्वीर उभर जाती है। ये शब्द लगभग पर्यायवाची भी बन चुके हैं। इन शब्दों का प्रयोग किसी के लिए किया जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में नेताओं और पार्टियों के नए नामकरण का श्रेय आरजेडी और लालू यादव को ही जाता है। आज आरजेडी ने एक और नेता का नामकरण किया, वो नया नाम है अफवाह मियां। आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति यादव ने लालू परिवार के सदस्यों पर लगे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी को अफवाह मियां बताया है। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति में वे केवल लालू यादव और उनके परिवार के लिए अफवाह फैलाते हैं। बताते चले कि लगातार दो दिनों से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित पूरे लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दस्तावेजों के साथ पत्रकारों को लालू परिवार के घोटालों की कहानी सुना रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में तेजस्वी का बंगला उनकी नाम हुआ। 4 लाख के बंगले की कीमत इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए है। कैसे इस बंगले को बचाने के लिए 5 हीरा व्यवसायी ने 5 करोड़ रुपए जो है उन्हें दिए गए, वो भी बिना किसी ब्याज के। सुशील कुमार मोदी ने लालू पर परिवार के भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठों को सामने रखते हुए खुलासा किया कि फेक कंपनियां बनाकर लालू परिवार की संपत्तियां अर्जित है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक के बाद एक लालू परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। और अब एक बार फिर सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी को घेरा है, लालू परिवार पर सवाल उठाए हैं, जिससे तेजस्वी यादव इन दिनों तिलमिला से गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या उठा पटक देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।